हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में हमने जो टॉपिक लिए हैं वो लिए हैं 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और इनसे कोई ना कोई रिएक्शन आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाली है। ठीक है, कोई ना कोई पक्का फंसेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो रिएक्शन है आपकी नेम रिएक्शन है, और 3 नंबर में पूछी जाती है। कितने नंबर में पूछी जाती है? 3 नंबर में पूछी जाती है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो वो कौन कौन सी है, चलिए स्टार्ट करते कि कौन कौन सी नेम रिएक्शन है जो आपकी, वो 5 नेम रिएक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपका 3 नंबर पूरा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो क्या होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया? देख सकते हैं आप, जब किसी प्राइमरी एमीन, कौन सी प्राइमरी एमीन यानी प्राथमिक एमीन को हम क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब किसी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर अगर हम गर्म करें तो क्या होता है? दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। देख सकते हैं आप, जब किसी प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एल्कोहली KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो दुर्गंधपूर्ण आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, तो रिएक्शन से समझते हैं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया आखिरकार कैसे बनती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इसकी रिएक्शन, हमने क्या लिया? प्राइमरी एमीन बेंजीन रिंग ली है, उसमें हमने क्या किया? एमीन को जोड़ दिया है। देख सकते हैं आप NH2 बेंजीन रिंग में जब NH2 जोड़ देंगे तो प्राथमिक एमीन बन जाएगी, और ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है। ठीक है, प्लस 3 KOH, एल्कोहली KOH लिया है हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है। जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? ये जो प्राइमरी एमीन है इससे, इसमें जो आपका H2 लगा है ये क्या करेगा? ट्रिपल बॉन्ड के साथ C से जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? फेनिल आइसोसाइनाइड बना लेगा। क्या बना लेगा? फेनिल आइसोसाइनाइड बना लेगा आपका कार्बन के साथ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना के क्या बना लेगा? फेनिल आइसोसाइनाइड। और क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड, और आपके जल के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। रिएक्शन आप देख सकते हैं, ये कार्बिल अमीन अभिक्रिया। तो नेक्स्ट रिएक्शन आपकी कौन सी रहने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि दूसरी रिएक्शन कौन सी है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी है फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी है? फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप देख सकते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। इस अभिक्रिया में जो आपकी बेंजीन रिंग की क्रिया हम किससे कराते हैं? मेथिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ? इस अभिक्रिया में बेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ? मेथिल क्लोराइड के साथ, निर्जल AlCl3 निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। आपके उत्प्रेरक का काम करेगा, तो उत्पाद क्या बनेगा? टालविन बनेगा। क्या बनेगा? टालविन बनेगा। और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए, बेंजीन रिंग की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ हम कराएंगे और उत्प्रेरक AlCl3 रहेगा, तो बनेगा क्या? टालविन बनेगा। रिएक्शन आप देख सकते हैं, बेंजीन रिंग ली है हमने, ठीक है, प्लस हमने क्या लिया है? मेथिल क्लोराइड CH3Cl लिया है। ठीक, तो बेंजीन रिंग में आपका ये जो CH3 है ये बेंजीन रिंग में ऊपर जुड़ के क्या बना लेगा? टॉलविन बना लेगा। और जो बेंजीन रिंग होता है फॉर्मूला आपका C6H6, तो जब टॉलविन आपका इसका CH3 समूह जुड़ेगा मेथिल का तो क्या करेगा? एक हाइड्रोजन मुक्त करके क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर कर देगा। देख सकते हैं आप, बेंजीन रिंग थी, इसमें मेथिल क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन कराई AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में टॉलविन बना और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल गया। देख सकते हैं आप, ये थी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो नेक्स्ट जो आपकी थर्ड रिएक्शन है वो है रोजन मुंड अभिक्रिया। कौन सी? ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, क्या पता यही आ सकती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, जब किसी एसिड क्लोराइड की, किसके साथ? जब किसी एसिड क्लोराइड को हम प्लैटिनीकृत बेरियम सल्फेट के साथ, BaSO4, जब किसी एसिड क्लोराइड को प्लैटिनीकृत बेरियम सल्फेट BaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते हैं तो वो अपचयन क्या कहलाता है? रोजन मुंड अपचयन कहलाता है। जब किसी एसिड क्लोराइड को प्लैटिनीकृत बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराते हैं, एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराएं, किसके साथ? प्लैटिनीकृत बेरियम सल्फेट BaSO4 की उपस्थिति में बेरियम सल्फेट आपका उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराने पर जो अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं? रोजन मुंड अपचयन कहते हैं। रिएक्शन आप देख सकते हैं, हमने क्या लिया है? एसिड क्लोराइड कौन सा लिया है? एस्टिल क्लोराइड लिया है CH3COCl। क्या लिया है? एस्टिल क्लोराइड CH3COCl लिया है, और हाइड्रोजन के साथ H2 के साथ हम इसका अपचयन करा रहे हैं। उत्प्रेरक कौन सा है? प्लैटिनीकृत बेरियम सल्फेट BaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम इसका अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3CHO, और इससे एक H उधार लेके CHO बना लेगा, और बचा क्या? OHCl। तो क्या HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल गया।
हेड बना के। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी रहने वाली है गाटरमान अपक्रिया, ठीक है। कौन सी अपक्रिया है? गाटरमान अपक्रिया। तो देख सकते हैं आप इस अपक्रिया में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, कौन? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्मूला C6H5N2Cl। तो देख सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला C6H5N2Cl होता है। तो इसको हम कॉपर व हाइड्रोजन अम्लों के साथ अपक्रियत करने पर क्या बनता है? एरिल हैलाइड बनता है। और कॉपर और आपका हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अपक्रियत कराने पर क्या बनता है? फेनिल साइनाइड बनता है, ठीक है। इस अपक्रिया में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर और हाइड्रोजन अम्लों के साथ अपक्रियत करने पर एरिल हैलाइड व आपका कॉपर और हाइड्रोजन साइनाइड अम्लों के उपस्थिति में अपक्रियत करने पर क्या बनता है? फेनिल साइनाइड बनता है, ठीक है। तो रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे कि गाटरमान अपक्रिया में हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किन किन उत्प्रेरकों के साथ अपक्रियत कराएं कि आपका जो उत्पाद है वो आपका एरिल हैलाइड और फेनिल साइनाइड बने। तो देख सकते हैं आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमने लिया, C6H5N2Cl बेंजीन रिंग में लगाएंगे तो N2Cl होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप पहले हमने कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में इसको अपक्रियत कराया तो क्या बना? क्लोरोबेंजीन बना, C6H5Cl प्लस नाइट्रोजन मुक्त हो गई, ठीक है। और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, आपका इस रिएक्शन को कॉपर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन बनेगा, C6H5Br प्लस N2 नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी। देख सकते हैं आप हमने क्या किया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इसको हम अभिकृत कराएंगे तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन C6H5Br प्लस N2 नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी, ब्रोमोबेंजीन बनी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप थर्ड रिएक्शन में हम क्या करेंगे, आपका लेंगे कॉपर और हाइड्रोजन साइनाइड, कौन लेंगे, कौन सा लेंगे? कॉपर और हाइड्रोजन साइनाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इसको हम अपक्रियत कराएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को तो क्या बनेगा? C6H5Cn यानी फेनिल साइनाइड बनेगा और नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी। रिएक्शन आप देख सकते हैं गाटरमान अपक्रिया की। तो ये थी आपकी चौथी रिएक्शन। अब हम बात करेंगे जो आपकी पाँचवीं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पाँचवीं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है आपकी वो है क्लीमेंसन अपचयन। कौन सी है? क्लीमेंसन अपचयन। तो क्या होती है क्लीमेंसन अपचयन? तो देख सकते हैं आप इस अपक्रिया में क्या होता है, हम क्या ZnHg व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्डिहाइड व कीटोन्स का अपचयन क्या कहलाता है? क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। एक बार फिर से रिएक्शन देख सकते हैं आप। इस अपक्रिया में हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड व कीटोन्स को ZnHg व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराना ही क्या कहलाता है? क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। तो रिएक्शन आप देख सकते हैं हमने क्या किया, रिएक्शन में लिया है कौन सा एल्डिहाइड, लिया एल्डिहाइड समूह हमने लिया एस्टेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड लिया C3CHO जिसका फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन के साथ इसको अपचयन कराएंगे हाइड्रोजन की उपस्थिति 4H लेंगे और उत्प्रेरक कौन सा है? ZnHg और आपका है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, ठीक है। तो इसकी उपस्थिति में हम इसका जब अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा? एथेन बनेगा, CH3CH3 एथेन बना और आपका जल के मॉलिक्यूल्स हो गए बाहर। देख सकते हैं आप क्या बना, एथेन CH3CH3 एथेन बना और जल के मॉलिक्यूल्स हो गए हैं बाहर। एस्टेल्डिहाइड की हाइड्रोजन की उपस्थिति हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराने पर अपक्रिया क्या बनी? एथेन बनी और आपका जल के मॉलिक्यूल्स हो गए बाहर। तो देख सकते हैं आप ये थी पांच इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आपने नहीं देखा